सत श्री अकाल, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत करती हूं। तुसी वेख रहे हो पंजाबी खबरां। खबरां दी शुरुआत तो पहला एक नजर अज दीआं मुख सुर्खियां ते। सीएम मान ने किया वड्डा ऐलान, पंजाब नूं बनाया जाएगा विश्व पद्धरी सैरगाह। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का होया आगाज, जस्ट स्टॉप आयल कारण मैच विच बन सकदा डीका। हिमाचल विच बर्फबारी जारी, पंजाब विच भारी मीह ने बदलिया मौसम। जिला गुरदासपुर के कस्बा डेरा बाबा नानक दे अधीन आउंदे पिंड शाहपुर जाजन विच एक गरीब परिवार के घर उपर असमानी बिजली डिगन कारण भारी नुकसान हो गया। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए घर दी मालकन डोरस ने दस्या कि एकदम असमान चो बिजली चमकी ते उन्हां दे घर विच बने तूड़ी वाले शैड उपर डिग पई। इस नाल तूड़ी चो अग लग गई और वड्डियां वड्डियां लपटां निकलनियां शुरू हो गईयां। उन्हां दस्या कि अग इन्नी भयानक सी कि उसने घर विच लगे मोटरसाइकिल ते मंजे साड़ के सुआह कर दिते। उन्हां आख्या कि अग ते काबू पाउण लई पिंड वासियां ने भारी मुशक्कत कीती पर अग उत्ते काबू ना पांदा वेख फायर ब्रिगेड नूं सूचित कीता गया, जिन्हां ने मौके ते पहुंच के अग ते काबू पाया। उन्हां दस्या कि इस अग नाल उन्हां दा जानी नुकसान तां नहीं होया पर माली नुकसान बहुत होया। उन्हां पंजाब सरकार तों मदद दी गुहार लगाई है। उधर अग बुझाउण पहुंचे फायर ब्रिगेड दे अधिकारियां दा कहना है कि उन्हां नूं सूचना मिली सी कि पिंड शाहपुर जाजन विच असमानी बिजली डिगण नाल घर दे तूड़ी वाले शैड नूं अग लगी है। उन्हां कहा कि साडे वल्लों मौके ते पहुंच के अग ते काबू पाया गया। इस अग नाल इन्हां दे पशुआं दी तूड़ी मंजे ते मोटरसाइकिल सड़ के सुआह हो गए। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे दे अमीर सभ्याचार कला अते विरासत नूं दर्शाउण दे मद्देनजर सूबे भर विच सभ्याचारक मेलियां दी लड़ी करवाउण नूं प्रवानगी दित्ती तां जो सूबे नूं विश्व पद्धरी सैरगाह वजों उभारिया जा सके। मुख्यमंत्री ने इस संबंधी फैसला इत्थे पंजाब सिविल सकत्तरियत वन विच अपने दफ्तर विखे सैर सपाटा विभाग दी मीटिंग दी प्रधानगी करदिआं लिया। इस दौरान विचार वटांदरे विच शिरकत करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम दा मंतव सूबे विच सैलानियां दी आमद नूं वधाउणा अते आउण वाले सालां विच पंजाब नूं विश्व पद्धरी सैर सपाटा स्थान वजों स्थापित करना है। उन्हां कहा कि इह सभ्याचारक समागम सूबे दे सैर सपाटा खेतर नूं वड्डा हुलारा देणगे अते पंजाब नूं विश्व सैर सपाटा नक्शे ते प्रमुखता नाल उभरेगा। सीएम मान ने कहा कि इस कदम सूबे विच सैलानियां दी आवाजाई नूं हुलारा देण दे नाल नाल नौजवान पीढ़ी नूं सूबे दे अमीर विरसे तों जाणू कराउण विच अहम भूमिका निभावेगा। भगवान वाल्मीकि दलित चेतना मंच वालों सनातन धर्म सभा धूरी विखे भगवान वाल्मीकि दलित चेतना मंच के कौमी प्रधान विक्की परोचा की अगवाई हेठ एक मीटिंग की गई, जिस विच प्रोफेसर हरनेक सिंह रिजर्वेशन चोर फड़ो मक्का मोर्चा मोहाली ने विशेष तौर पर बतौर मुख मेहमान वजो शिरकत की। इस मीटिंग विच संगरूर बरनाला ते मलेरकोटला जिलों के एससी सीटीओ बीसी जथेबंदियां ने भाग लिया। इस मौके ते प्रोफेसर हरनेक सिंह मोहाली ने दस्या कि जनरल विभाग के लोगों ने नकली एससी सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके करीब 1500 सरकारी अधिकारियों ते कर्मचारियों खिलाफ कार्रवाई करन दी पंजाब सरकार तो मंग की है। उन्हां कहा कि जल्द ही एससी वर्ग वालों पंजाब बंद की कॉल की जाएगी। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मैच 7 जून तो लंदन के ओवल मैदान में खेडा जाएगा। फाइनल मैच 7 तो 11 जून तक खेडा जाएगा। टीम इंडिया इस खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी। मैच से मीह का खतरा है, पर मीह तो इलावा एक होर संकट है जो मैच लिए अड़िका बन सकता है, जिसका नाम है जस्ट स्टॉप ऑयल। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय लंदन में है जिथे जस्ट स्टॉप ऑयल के प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों के तहत प्रदर्शनकारी यूके सरकार के नवे तेल गैस और कोला प्रोजेक्टों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने मांग है कि सरकार इन प्रोजेक्टों संबंधित लाइसेंस तुरंत रद्द करे। लंदन में जस्ट स्टॉप ऑयल प्रदर्शनकारी सरकार उन्होंने नीतियों तो नाराज ने। उन्होंने मानना है कि सरकार की वातावरण विरोधी नीतियों का खमियाजा सारे भुगतना पवेगा। उन्होंने डर है कि किधरे विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग पिच भी खराब ना कर दें, जेकर अजिहा हुंदा है तो दूजी पिच से मैच करवाया जा सकता है।
आईसीसी नूं चिंता सता रही है कि प्रदर्शनकारी किधरे ऐन मौके ते पहुंच के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच विच अड़िका ना पाउण। इसे दे मद्देनजर आईसीसी ने दो पिचां तैयार करवाईआं ने तां जो प्रदर्शनकारी जेकर एक पिच खराब कर देण तां दूजी ते मैच करवाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग ते मनाली दियां चोटियां ते बर्फबारी जारी है। मनाली ते पूरी ओजी घाटी विच मीह कारण मौसम सुहावना हो गया। बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन दे कमांडर बीएस बचाल ने दस्या कि कई सालां बाद रोहतांग विच जून विच भी 15 तो 20 फुट तक बर्फ साफ करने लई अजे पई हुई है। पंजाब विच मंगलवार शाम तो बाद अमृतसर, बरनाला, फिरोजपुर, गुरदासपुर, जलंधर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, संगरूर और तरन तारण आदि जिलों में तेज हवावां चलियां, नाल ही मीह भी पै गया। इस कारण तापमान विच फिर तो गिरावट आई। बीते दिन पंजाब के कई इलाकों में हल्के बदलों के बावजूद गर्मी बरकरार रही। मौसम विभाग ने 7 जून को सूबे के वधेरे इलाकों में गरज चमक ते हनेरी नाल हल्की तो दरमियानी बारिश की भविष्यवाणी की है। तापमान विच वधेरे गिरावट की संभावना घट है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि गुजरात के दक्षणी पोरबंदर विच दक्षण पूर्व अरब सागर विच घट दबाव वाले खेतर के उत्तर पछम वल वधन अते इसके समुद्री तूफान विच बदलन का खदशा है। इस तूफान नूं बिपरजॉय कहा जाएगा, जिसका नाम बंगलादेश ने रखा है। मौसम मुताबिक समुद्री तूफान वीरवार सवेरे तक गंभीर तूफान विच बदल सकता है। शुक्रवार शाम तक यह होर भी भयानक हो जाएगा और दक्षिणी पूर्वी अरब सागर से घट दबाव का खेतर बनन अते अगले दो दिनों विच इसकी तीव्रता कारण चक्रवाती हवावां केरल के कंडे वल मानसून के आने से गंभीर असर पा सकदियां ने। मौसम विभाग ने केरल विच मानसून के आने की संभावित तरीक नहीं दसी, पर मौसम की भविष्यवाणी करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वैदर ने दसिया कि मानसून 8 या 9 जून को केरल विच आ सकता है, पर हल्की बारिश होने की संभावना है। फिरोजपुर के कस्बा ममदोट विखे आए दिन ही गुंडागर्दी ते लुट्टां खोहां दे मामले सामने आ रहे ने। ते हुण फिर तो एक गुंडागर्दी दी वीडियो सामने आई है, जिस विच कुछ हमलावरां ने घर दे परिवारक मैंबरां उते इट्टां रोड़े चलाउणे शुरू कर दिते ने। उक्त पीड़ित परिवार दे मैंबरां ने दस्या कि उस दे पत्नी नूं कुछ व्यक्तियां वल्लों भद्दी भाषा बोली जांदी सी, जिस तों बाद दोवां धिरां विच लड़ाई झगड़ा हो गया अते उन्हां नाल रंजिश रच के रात समय साडे घर दे हथियारां ते इट्टां पत्थरां नाल हमला कर दिता। जिस समय परिवार ने एमएम मेंबर अते घर दे वेहड़े विच सुते पए सन तां हमलावरां ने बाहरों इट्टां पत्थर सुटने शुरू कर दिते अते तेजधार हथियारां नाल दरवाजे उत्ते हमला कर दिता। राज्यसभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने ब्रिटेन स्थित ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियां विच उचेरी पढ़ाई लई दाखला लैण वाले पंजाब दे विद्यार्थियों की मदद लई इक सिक्ख्या फंड बनाउण दा ऐलान करदिआं 1 लख पौंड दे शुरुआती योगदान का ऐलान किया है। सानी नूं लंडन विच सिख फोम इंटरनेशनल वल्लों करवाए गए एक समागम विच सिख ऑफ द ईयर अवार्ड नाल सन्मानित किया गया सी। उन्हां कहा कि इस फंड का तालमेल ब्रिटेन विच भारतीय हाई कमिश्नर विक्रम चुदराई स्वामी की अगवाई विच विश्व पंजाबी संस्था वल्लों किया जाएगा। इस मौके सानी ने ब्रिटेन विच सिख फोम अते विश्व पंजाबी संस्था नूं अपील की कि वह साडे पंजाब दे आर्थिक तौर ते कमजोर विद्यार्थियों लई ऑक्सफोर्ड अते कैम्ब्रिज विच उचेरी पढ़ाई करने लई एक एजुकेशन फंड स्थापित करन। इस दौरान उन्होंने इस पहलकदमी का पूरे दिल नाल समर्थन करते हुए 1 लख पौंड दे मामूली योगदान की घोषणा की। माछीवाड़ा ब्लॉक अधीन पैंदे पिंड हसनपुर विखे चोरां ने एक एनआरआई दी कोठी नूं निशाना बनाउंदिआं उस विचों 5 लख रुपए नकदी अते 15 तोले सोना चोरी करके वड्डी घटना नूं अंजाम दिता। घर दी मालक सुरेंद्र कौर पत्नी स्वर्गवासी सरदार सिंह वासी हसनपुर ने दस्या कि वह परिवार समेत इटली रहिंदी है। वह 5 महीने पहला ही अपने घर आई सी। उन्हां दस्या कि वह 29 मई नूं अपने पेके घर लुमानगढ़ चली गई अते जदों वापस परती तां वेख्या कि कोठी दे सारे ताले टुटे पए सन ते घर दा सारा समान खिल रिहा पिआ सी। सुरेंद्र कौर ने पत्रकारां नूं दस्या कि 5 लख रुपए नकदी तों इलावा घर दी अलमारी विच पिआ 15 तोला सोना भी चोर चुके लै गए। चोरां ने घर विच पई सारियां अलमारियां अते होर समान की चंगी तरह फराली की अते पूरी तसली नाल घटना नूं अंजाम दिता, जिस बारे पिंड विच किसे नूं भनक भी ना लगी। होर तां होर चोर घर विच बने धार्मिक स्थान ते चढ़ाए गए पैसे भी चोरी करके लै गए। कोठी विच सीसीटीवी कैमरे लगे हुए सन, पर चोर जांदे हुए डीवीआर भी नाल लै गए, जिस कारण कोई सुराग दा पता ना लग सकिया। घटना दी सूचना मिलदिया ही समराला दे डीएसपी वरियाम सिंह अते बहलोलपुर चौंके इंचार्ज प्रमोद कुमार भी मौके ते पहुंचे। उन्हां जिन्हां वल्लों सारी स्थिति दा जायजा लिया गया।
झारखंड के बोकारो विच संथालडी रेलवे क्रॉसिंग नेड़े एक वड्डा रेल हादसा टल गया। रेलवे के एक अधिकारी ने जानकारी दी, दरअसल नवी दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रैस लंघ रही थी तो क्रॉसिंग नेड़े एक ट्रैक्टर रेलवे फाटक नाल टकरा गया। ट्रेन के ड्राइवर वालों समय वेले समय सिर ते ही ब्रेकां लगाउण नाल वड्डा हादसा टल गया। यह हादसा पोचुडी रेलवे स्टेशन नेड़े संथालडी रेलवे क्रॉसिंग दे वापरिया ते ट्रैक्टर रेलवे ट्रैक ते फाटक दे विचकार फस गया। दक्षण पूर्वी रेलवे के आदरा डिविजनल रेलवे मैनेजर मनीष कुमार ने कहा कि संथालडी रेलवे क्रॉसिंग ते ट्रैक्टर रेलवे फाटक नाल टकरा गया। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी ते ट्रेन रुक गई, जिस नाल वड्डा हादसा होण टल गया। गुरदासपुर शहर में तेज तूफान और गड़ेमारी ने भारी तबाही मचाई। शहर अंदर तेज तूफान कारण दरख्त डिगण कारण बिजली दियां तारां टुट गईयां, जिस नाल शहर के कई इलाकों की बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। उत्थे दूजे पासे जेल रोड स्थित एक कार गैरेज से रिपेयर होने लिए आई हुई कार उत्ते दरख्त डिगण कारण काफी नुकसान हो गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए कार गैरेज मालक कमल ने दस्सिया कि अचानक तेज तूफान आ गया, साडी दुकान के बाहर लगा हुआ दरख्त टुट के कार उत्ते आ डिग गया, जिस कारण कार काफी नुकसानी गई। पर किस्मत चंगी रही कि इस मौके वड्डे जानी नुकसान तो बचा हो गया। गैरेज मालक ने प्रशासन तो अपील की कि वह इस नुकसान की भरपाई करने विच असमर्थ है ते उसकी माली मदद की जाए। दक्षिणी मुंबई विच एक 18 साल विद्यार्थन दे उसके होस्टल दे कमरे विच लाश मिली है, जदों कि इस मामले विच शक्की सुरक्षा गार्ड दी लाश रेलवे पटड़ियां तो बरामद की गई। पुलिस ने जानकारी दी, एक अधिकारी ने कहा कि यह शक है कि लड़की दे जिंसी शोषण किया गया सी, पर इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तो बाद ही होगी। होस्टल के कमरे में पहुंच के पुलिस ने उसनु गले तो रुमाल लपेटिया वेख्या और उन्होंने दसिया कि मामले में शक्की सुरक्षा कर्मचारी रेलवे पटड़िया से मृतक पाया गया। अधिकारियों ने दसिया कि मरीन ड्राइव थाने विच कतल के संबंध में FIR दर्ज की गई है, मामले की जांच जारी है। मृतक विद्यार्थन अपने मापिया की इकलौती धी सी, पोलीटेक्निक दूजे साल की विद्यार्थन सी। जानकारी मुताबिक मृतक विद्यार्थन मरीन ड्राइव इलाके सावित्री बाई फुले गर्ल्स होस्टल में रहती सी। इसी होस्टल में काम करते ओम प्रकाश कनौजिया ने पहला विद्यार्थन नाल बलात्कार किया ते फिर उसकी हत्या कर दी। कनौजिया इतने 15 साल तो काम कर रहा सी। पुलिस ने इस मामले में उस समय शक किया जो मृतक के गले में रुमाल बनिया हुआ सी ते दोषी सुरक्षा गार्ड होस्टल तो गायब सी। ते हुण जांदे आं एक नजर अज दी वैदर रिपोर्ट ते। फिलहाल पंजाबी खबरों में इन्ना ही, नवीं ताज़ा खबरें लेके फिर तो हाजिर होवांगे। तद तक लई वेखते रहो चढ़दी कला टाइम टीवी।